गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। चलो तो आज जो है थंबनेल वगैरह देख के आए होंगे। आज हमारा जो है हम ट्राइंगल्स अपना हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम जो है ट्राइंगल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 है ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर हम जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला वगैरह तो इसमें होते नहीं है फिलहाल ज्यादा, है ना। तो जो जो चीजें इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पिछले साल पूछी गई थी या उसके पिछले साल पूछी गई थी या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल या फिर उसके पिछले साल, है ना, जितने भी सालों में आना ऐसे क्वेश्चन जो जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बुक में रिडक्शन हुआ है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग, है ना, हमारे जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर वो ऑलमोस्ट बहुत छोटा कर दिया गया है। तो उसमें बहुत सी चीजें निकाल दी गई हैं जो इसके पिछले वाले साल तक पूछी जाती थी, ठीक। तो अब जो बची खुची चीजें हैं, जो बचा खुचा आइटम बचा हुआ अपने पास, ठीक है, उसमें से जो जो चीजें लास्ट ईयर तक पूछी गई थी या फिर चांसेस है कि इस ईयर पूछी जाएंगी, उन सारी चीजों को अपन यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, ठीक है सर। तो फटाफट से जो है नोटबुक निकाल लो, एनसीईआरटी भी निकाल लेना, जरूरत पड़ी जाएगी, ठीक है, नोटबुक, एनसीईआरटी, पेन और जो है चीजों को लिखना देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के, ना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक पेन लेके हेडिंग लगा लो फटाफट, वन शॉट, है ना, वन शॉट, एक बार में जो है हम आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे, आज मतलब अभी शुरू करेंगे, आधे घंटे के अंदर खत्म भी कर देंगे ट्राइंगल, आधे घंटे के लेक्चर में तुम्हारा जो है पूरा का पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एकदम बेसिक से लेके, बेसिक से एडवांस तो नहीं कह सकते, बोर्ड एग्जाम है, मतलब तुम्हारे जो एग्जाम अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले स्कूल में, स्पेशली ये जो वीडियोस लेक्चर्स होते हैं गुजरात बोर्ड पर बेस्ड है, ठीक है। हाँ हालांकि सीबीएसई के स्टूडेंट भी इसे प्रेफर कर सकते हैं, फिलहाल जो अभी के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो अभी के वीडियोस आ रहे हैं, अभी जो सीरीज चल रही है ना, अभी जैसे मैंने चैप्टर 5 का अपलोड करा, अभी ये चैप्टर 6 का है, तो ये स्पेशली डेडिकेटेड टू गुजरात बोर्ड है, ठीक है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सूरत से हूँ, है ना, मैं सूरत से हूँ, तो इसमें जो वीडियोज रहेंगे वो सारे के सारे गुजरात बोर्ड के बेस डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है। आगे चल के जो वीडियोज अपन बनाएंगे, अभी तो पूरा टाइम है अपने पास, यहाँ फेल एग्जाम्स निकल जाते हैं जैसे ही, तो उसके बाद सीबीएसई बेस्ड जो है वीडियोज रहेंगे, सारे बच्चे उसे देख पाएंगे। इनफैक्ट ये वाले वीडियोस भी सीबीएसई स्टूडेंट देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी उनके काम का आएगा। चलो तो शुरू करते हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ हम पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाले, हम इस चैप्टर को सिर्फ वही पार्ट्स कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों को पूरा अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो पूरे चैप्टर के भी कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बना रखे हैं। हाँ ट्राइंगल चैप्टर का अभी तक नहीं बनाया, ट्राइंगल का हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी एपी वगैरह का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कंप्लीट अगर फुल डिटेल्ड वीडियो के लिए तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ वही पार्ट कवर करेंगे, वही पोर्शन देखने वाले हैं इस चैप्टर का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ वही चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर जो है ट्राइंगल्स, इसका नाम जो है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के अंदर बेसिकली हम जो है इस बार पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक सिमिलैरिटी, हम ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है सिमिलैरिटी का, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे सिमिलैरिटी वर्क करती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कंसेप्ट आता है सिमिलर फिगर्स का, वो देख लीजिए सिमिलर फिगर्स। तो डे टू डे लाइफ में बताया जाता है कि भाई सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए एनसीईआरटी जो यूज करती है वो कुछ इस टाइप का, मान लो जैसे एक सर्कल बना दिया, सर्कल के अंदर एक सर्कल बना दिया और उसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर्कल है, ये सर्कल का है ना, सर्कल का फादर कह सकते हो, सर्कल का बच्चा है, ठीक है। कि सारे सारे सर्कल जो है एक समान दिख रहे हैं, ये सर्कल सर्कल का बाप सर्कल का बेटा है ना, तो सारे सारे जो है एकदम सिमिलर दिख रहे हैं। अच्छा ऐसे मान लो आप स्क्वायर बना रहे हो, ठीक है, ये आपने बनाया स्क्वायर, ये तो स्क्वायर का बच्चा है, ठीक है, मान लो ये है स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद तुम बना दो स्क्वायर का पापा, स्क्वायर का बाप, है ना। तो ये जो है ना ऐसे ऐसे फिगर्स को सिमिलर कहा जा रहा है। सिमिलर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये रंग रूप में ना एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, हाँ इनका बस साइज इक्वल नहीं है, आपस में बड़े छोटे हो सकते हैं, इस चीज को सिमिलैरिटी कही जाती है, ठीक है। जैसे चीजों को जो है हम सिमिलर कहते हैं। एग्जांपल को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँ, ताजमहल का एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में हमारे, जैसे एक ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, और बाकी ताजमहल वगैरह आप देखो गिफ्ट शॉप पे आराम से मिल जाएगा ना, सिंबल ऑफ लव अपना, है ना, देखा होगा आप लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिया जाता है ना, ऐसे हम गिफ्ट करते हैं ताजमहल, तो वो ओरिजिनल थोड़ी है लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो सिमिलैरिटी ये बताती है कि चीजों को अगर कोई चीज है तो उससे बड़ी या फिर उससे छोटी या फिर उसके जैसी, तो वैसी चीजों को हम कहते हैं सिमिलर, ठीक है। सिमिलैरिटी में कभी जरूरी नहीं होता कि दो चीजों का शेप जो है, एक शेप जरूरी होता है, साइज जरूरी नहीं होता, शेप एग्जैक्ट सेम होना चाहिए,
जैसे जो शेप ये छोटे वाले सर्कल का है वही शेप ये वाले सर्कल का, वही शेप इस वाले सर्कल का, ठीक है। सेम स्क्वायर में भी साइज अलग अलग हो सकता है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ताजमहल वाला एग्जाम्पल चाहिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्शन। अब जैसे मेरी ये उंगलियां, पांच उंगलियां हैं, ठीक है। अब अगर मैं फ्लैश लाइट ऑन करूंगा तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी ना एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, अगर आप फ्लैश ऑन करो, ठीक है, अंधेरे में करके देखना आप ये एक्टिविटी, तो एग्जैक्ट पांच उंगली यहाँ पे आएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके ऋतिक रोशन से हाथ आ जाएंगे यहाँ पे, छह छह तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी उंगलियों की साइज, हाथ का साइज बड़ा रहेगा। तो ये हो गया एक तरह सिमिलरिटी, जो आपका हैंड है एग्जैक्ट सिमिलर हैंड आपको इसके पीछे देखने मिलेगा, क्लियर। अब ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी को समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फिगर है, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, लेट से ये ट्राइंगल तीन का है, ये चार का है, ये पांच का है। अब आप समझिए ना कि इनको मैंने खींच खींच के स्ट्रेच करके अपन ने ऐसे बड़ा कर दिया, तो ये 3 सेंटीमीटर को हमने कर दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर को हमने कर दिया 8 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट, और ये 5 सेंटीमीटर को हमने कर दिया 10 सेंटीमीटर। तो अब जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो ट्राइंगल जो है, देखो इनका जो है सिमिलर है, ये साइज इनका सेम नहीं है लेकिन शेप इनका एग्जैक्ट सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स कहा जाएगा। लेट्स से कि ये अपना ए बी सी है और ये अपना पी क्यू और आर है, इन चीजों को हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स। अब सिमिलरिटी में खास बात मैंने आपको क्या बताया, इन्हें स्ट्रेच करके मैंने डबल किया, 3 को डबल करके 6 कर दिया, 5 को खींच खींच के हमने लंबा करके 10 कर दिया, और 4 को खींच खींच के हमने 4 को कितना कर दिया, हमने 8 बना दिया। अब इसमें कमाल की बात ये होती है कि सिमिलरिटी में आप ऑब्जर्व करना, या तो आप चीजों को डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, 4 गुना करोगे, 2/3 करोगे, 1/3 करोगे, 1/5 करोगे, 1/7 करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, रेशियो में ही है ना। तो इसमें काम की बात ये आती है कि जब भी आप इनको डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैंने ए बी और ए बी में को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी की लेंथ कितनी है 4 और पी क्यू की लेंथ कितनी है 8, देखो ये कट के आ रहा है 1/2। फिर अगर आप करो बी सी, तो बी सी करेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, क्यू आर, देखो बी सी बाई क्यू आर है ना, तो बी सी बाई बी सी की लेंथ 3 है, क्यू आर की लेंथ 6 है, जब आप दोनों को डिवाइड करो तो अगेन आपको मिलेगा ये 1/2। एंड सिमिलरली सी ए है ना, सी ए है ना, सी ए आ जाएगा, ये सी ए अपॉन में क्या आ जाएगा, आर पी है ना, आर पी पी आर है ना, पी आर नहीं है ये, पी आर है ना, ये हमारा पी आर है, ठीक है। देखो तो ए सी, ए सी की लंबाई जो है 5 दे रखी है सर, और पी आर की लंबाई जो है 10 दे रखी है, काट दो ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी आ गया 1/2। तो 1/2, 1/2, क्या आपको दिख रहा है कि इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट सिमिलरिटी मींस। सिमिलरिटी का यही मतलब होता है, जब दो सिमिलर फिगर्स को आप तभी सिमिलर कह पाओगे, दो फिगर्स को हम सभी सिमिलर कह पाएंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आए। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि ए बी के करेस्पॉन्डिंग पी क्यू, दैट इज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा सी ए बाई पी आर, ठीक है, सी ए डिवाइड बाई पी आर, और ये सारी के सारे किसके इक्वल है, 1/2 के, मतलब ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये अपने दो ट्राइंगल जो है सिमिलर हैं। ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए, किसी भी फिगर के सिमिलर होने के लिए दो कंडीशंस बहुत जरूरी है, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर कह सकते हो सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, सेम प्रपोर्शन भी सही वर्ड है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, अंग्रेजी तो झाड़ दिया आप, शुड बी इक्वल, देखो अंग्रेजी नहीं झाड़े हैं, आपको समझा भी देते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब ये कि ए ए के करेस्पॉन्डिंग पी, एंगल बी के करेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा क्यू, और एंगल सी के करेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा एंगल आर, तो ये एंगल इक्वल होने चाहिए, बस यही दो कंडीशन है। अगर सिर्फ रेशियो इक्वल रहा, साइड का रेशियो इक्वल रहा लेकिन एंगल इक्वल ना रहा, तो वो होगा क्या सिमिलर, नहीं होगा, एग्जैक्ट उल्टा। मान लो एंगल इक्वल है लेकिन साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तब भी क्या सिमिलर होगा, नहीं। मतलब दो फिगर के सिमिलर होने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साइड का रेशियो भी इक्वल आए और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहे। इन शॉर्ट कहिए कि साइड्स प्रपोर्शन भी होने चाहिए, ठीक है, साइड्स जो है सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए, और ये एंगल जो है वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब जाके आप कह पाएंगे कि हाँ, दो फिगर्स जो आपस में सिमिलर हैं, क्लियर। अब एक और चीज है, जितने भी अपने रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं ना, रेगुलर पॉलीगॉन्स सिमिलर होते हैं, ध्यान रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस पे क्वेश्चन आता है,
ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। विच ट्राइंगल इज सिमिलर, या फिर ऐसे लिखा जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर। तो ध्यान रखना ऑलवेज डैश सिमिलर कॉन्ग्रुएंट डाल सकते हैं। ध्यान रखना सारे के सारे इसमें ना ऐसे एमसीक्यू जाता है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ट्राइंगल मतलब इक्विलैटरल ही आएगा, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब ऐसे फिगर जो चारों सारे के सारे साइड उसके इक्वल है। जैसे स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल रेगुलर नहीं होता, वो इरेगुलर। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। स्क्वायर रेगुलर है, क्यों? चारों साइड इक्वल है ना, इसलिए रेगुलर है वो, ठीक है। तो ध्यान रहे, एक ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। और आपको और पूछा जाता ना, आपको ये एग्जाम्पल देने के लिए बोल देते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल दे दो। तो कोई भी दो फिगर अपने मन से बना दो, है ना, जो सिमिलर देखें आपको, ठीक है। आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी कर दो ना, है सिमिलर, है बिल्कुल सिमिलर है, कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही कुछ पिद्दू पिद्दू से एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, चिन्नू मुन्नू एग्जाम्पल है ना, तो समझ गए होंगे। और दो नॉन सिमिलर फिगर का बोले तब भी आप दो ऐसे नॉन सिमिलर फिगर्स आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हो गया अपने सिमिलरिटी कंसेप्ट, जितना अपने को जरूरी है 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली सेमेस्टर के लिए, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो ये कंसेप्ट आप याद रखें, ठीक है। अब इसमें जो है ज्यादा ज्यादा ना, इसमें अब नेक्स्ट आपको थियरम पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, तीन चार फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। 6.1 कंप्लीटली कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देखो 6.2 करने से पहले, 6.2 के अंदर हमारे पास एक थियरम पढ़ा जाता है, वही थियरम मेन है, वो हर बच्चा बच्चा ना, हमारे यहाँ पर बच्चा जब 10th में आता है तभी उसको बता दिया जाता है ना, यहाँ पे क्या सबको ना, सबको ऑटो चलाने वाले को भी पता होता है कि 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 के अंदर बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वही बात है कि आपको साल के पहले दिन से पता है कि ये आता है, फिर भी अगर आपने ना कंप्लीट किया हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो चलो ये चीज मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, क्या होता है देखते हैं अपन। पहले तो इसके नाम देख लीजिए, इसके तीन तीन नाम आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इस चीज को हम बीपीटी भी कहते हैं। मैं एक नाम और बताऊंगा, मैं तीसरा नाम नहीं बता रहा, तीसरा नाम आप लोगों को बता दूंगा, आप लिखूंगा नहीं मैं, थेल्स थ्योरम। सर तीसरा नाम क्या होता है? तीसरा नाम होता है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिख लेना है ना, जिन लोगों को लिखना हो। एक हो गया अपना थेल्स थ्योरम, और एक क्या हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने बना दिया यहां पे ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हमने जो है एक लाइन बनाई, ये अपनी लाइन L, जो इसको पॉइंट P है ना, P मत करो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन D कर लेते हैं। मान लो ये A है, ये B दिया है, ये C दिया है, इसको हमने D कह दिया, और इसको जो हमने E कह दिया। क्लियर हो गई मेरी बातें? अब इसमें क्या कहा गया, D से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हो, और एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, जो यहाँ से परपेंडिकुलर हो। तो इसको जो है DM कह लो, और इसको जो है EN, N से है ना, परपेंडिकुलर नाम कर दिया EN। और दूसरा काम क्या करना है, आपको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए ये B, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए आप, डन। इतना काम करने के बाद देखो हमें कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे बताऊंगा चीजों को नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन, गिवन कह लो या फिर डेटा कह लो, हम लिखते हैं गिवन। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी L is, line L is parallel to BC. Line L किसके parallel है, BC के, which intersects AB है ना, AB and AC at, भैया AB को किस point पे intersect कर रहा है, D पे, और AC को किस पे कर रहा है, E पे, एट डी एंड ई।
हमने देखा कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एक लाइन एल जो है वो पैरेलल आ रहा है बीसी के, और ये एबी को कट कर रहा है डी पे और एसी को कट कर रहा है ई पे। यहां तक पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें देखना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट इसमें लिखना है टू प्रूफ। गिवन तो मिल गया, क्या प्रूफ करना है हमें वो चीज देखते हैं। टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में देखो क्या क्या लिखा जाएगा, हमें जो चीजें प्रूफ करनी है वो लिखना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखो इस थ्योरम के अंदर हम प्रूफ करते हैं कि ए डी अपॉन में बी डी और ये आइटम इक्वल आएगा ए अपॉन में ई सी। ठीक है, ये आइटम जो है इसके इक्वल आना चाहिए, ये बात जो हमें प्रूफ करना है। क्लियर, चलो अब इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना, ज्वाइन है ना, ज्वाइन ज्वाइन हमने कैसे को ज्वाइन कर दिया, बी एंड सी डी हमने इन दो लाइंस को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। अब हम इसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ मैं यहां से लिख रहा हूं प्रूफ। तो भैया जी प्रूफ मतलब इस चीज को साबित करने के लिए क्या क्या सबूत है आपके पास। देखिए हम प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, डब्ल्यू के टी का मतलब वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब देखो क्या करना है, तो हमें अप्लाई करना है, देयरफॉर हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल्स का। एरिया ऑफ, इसको ऐसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ ए डी, ऊपर वे छोटू वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, बेस इसका आ जाएगा, देखो अब बेस डी यहां पे बेस नहीं लेंगे हम, बेस लेंगे इसको ए डी को, ये बेस लेंगे तो हाइट क्या आ जाएगा, दिख रहा है ई एन, ये इसकी हाइट है, ये बेस, तो ये वाला हाइट। जब ये वाला बेस लेंगे तो हाइट हम इस ये वाला लेंगे, और डी को बेस लेने का मतलब है कि हमें सीधी वाली हाइट चाहिए, लेकिन सीधी वाली हाइट है नहीं हमारे पास, इसलिए हम डी को बेस नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस किसको लेंगे अपन, ए डी को, तो हाफ इंटू ए डी इंटू इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सर, इसकी हाइट आ जाएगी ई एन। क्या पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो ये ट्राइंगल अब अपॉन में आपको इस साइड वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है नीचे दो ट्राइंगल है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो हमें इस साइड वाला ट्राइंगल लेना है। मैं रीजन बताऊंगा ना एंड में, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल आप देखते जाओ। तो ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन में दिस साइड का ट्राइंगल, ठीक है, तो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डी ई रख देते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना आ रहा है, इसका बेस हम लेंगे बी डी, ठीक है, और हाइट कितना लेंगे ई एन। अब ये तो सर आप बता तो दिए ई एन, मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत यही आती है कि सर यहाँ बेस बी डी क्यों लिया गया और हाइट ई एन क्यों लिया। देखो मैं बता रहा हूं, ये वाला अगर तुम बेस लोगे है ना डी, तो इसमें आपके पास हमारे पास कोई हाइट नहीं है इसकी, ध्यान रखना, ठीक है, और ये वाला बेस लेते तब भी हमारे पास कोई हाइट नहीं है। हाँ, ये वाले बेस लेने सर तब भी हमारे पास हाइट नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, इक्विलैटरल नहीं एक्सटीरियर ट्रायंगल है ना, आपने पढ़ा होगा, एक्सटीरियर ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, क्या कहते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ये एंगल दिख रहा है 90 डिग्री से बड़ा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ट्रायंगल से बाहर आती है, ये इसकी खास बात होती है, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल इतना ही है लेकिन ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल से बाहर आ रही है। ये आप देखो ध्यान से, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, 90 से बड़ा है ये, तो देखो इसकी हाइट जो है ट्रायंगल से बाहर आ रही है, ये इसका बेस हो गया, दिख रहा है, तो इस बेस के ऊपर इसकी हाइट जो है बाहर से आ रही है, यानी इसकी हाइट ई एन हो जाएगी। अब मेरी बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, ठीक है, चलो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ। सेम ये कंसेप्ट इधर भी लगाएंगे, देखो इस वाले जब ट्रायंगल में आएंगे तो इसकी हाइट भी बाहर आ रही है, दिख रहा है डीएम, डीएम इसकी हाइट हो जाएगी, फिगर रन देते हैं फिलहाल के ना, लिखो। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब रेशियो लेते हैं, तो हम करेंगे एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, सर जी ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर आ जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन,
और नीचे क्या मिलेगा सर, नीचे आ जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब इसमें काम की बात यह है कि जब आप ऐसा करेंगे तो कि हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, बच रहा है ए डी अपॉन में बी डी। तो इस चीज को हम दोबारा से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई, मतलब इनके एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऊपर बच गया ए डी और नीचे कितना बच गया बी डी, और इस चीज को हम कहेंगे अपना इक्वेशन नंबर वन। पहला पार्ट आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पहला पार्ट तो हमने कर दिया, नेक्स्ट पार्ट के लिए एक काम करते हैं, यहां पे हम लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींच के हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक सुंदर सी रेखा बनाई हमने, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखना, रेखा मतलब लाइन होता है हिंदी में, ठीक है बालक। अच्छा अब क्या करना, ऑल्सो ना, हम फिर से एरिया निकालेंगे। ऑल्सो देखो एरिया कौन कौन सा ट्रायंगल का, अब वापस से ऊपर वाला ट्रायंगल का लेंगे, लेकिन इस बार पिछली बार क्या किया था, ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ में ये वाला ट्रायंगल लिया था, इस बार ऊपर वाला ट्रायंगल के साथ में ये ट्रायंगल लेंगे। ध्यान रखना कांसेप्ट यही है, ऊपर वाले के साथ में एक बार इस साइड का ट्रायंगल और ऊपर वाले के साथ में एक बार इस साइड का ट्रायंगल। अब जब इस साइड का ट्रायंगल लिए थे तब ऊपर वाले ट्रायंगल में बेस क्या था, AD। इस बार बेस क्या लेंगे हम, इस बार बेस लेंगे AE। समझ आ रहा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस क्या लेना होगा, AE। तो जब आप बेस AE लेंगे तो AE बेस के लिए हाइट क्या दिख रहा है, DM। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज DM, पहला पार्ट। सेकेंडली अब एरिया किसका निकालेंगे, CED, है ना, CED। तो एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस लेंगे हम C, लेकिन हाइट अगेन मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट जो है ट्रायंगल से बाहर लाई करेगी, इसका हाइट हो जाएगा DM, तो हाफ इंटू सी इंटू DM। तब हम क्या करेंगे नाउ, अब इसका भी रेशियो ले लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऊपर आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू DM, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखना है ना, देखते हैं ना, नीचे आ जाएगा हाफ इंटू सीई इंटू डी एम। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो बेटा यही होगा, है ना, वैसे तो मैं जानता हूँ जिसने साल भर पढ़ाई कर रखी होती है ना, तो एक आध दिन दो दिन तीन दिन ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे ना? और अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं कर रखी है ना, तो एक आध दो दिन पढ़ने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो, हाँ एग्जाम में तुम पास होने पर जितना कर लोगे ना, बट टॉप कर जाओ ना आप एक दो दिन की पढ़ाई से, ऐसा पॉसिबल नहीं ना सर, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, आप भले बोल सकते हैं, ठीक है, चलिए, या तो फिर साक्षात सरस्वती माता आपके अंदर विराजमान हो जाए ना, एक तरीका तो यही होता है कि एक दिन की पढ़ाई करें आप फिर भी टॉप कर जाए। चलो देखो यहाँ, तो हमने इन दो ट्रायंगल का रेशियो लिखा, हाफ से हाफ काटा, डीएम से डीएम काट दिया, डीएम ने डीएम को काट दिया, ऐसा कहते तुम। अब हमारे पास क्या मिलेगा सर, हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सी ई डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई सी ई, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहाँ पे हम एक थियरम का इस्तेमाल करेंगे सर, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक थियरम का इस्तेमाल करेंगे, थियरम क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नाइन्थ में एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, नाइन्थ स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखो, कंसेप्ट ये था, हियर ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी, नाइन्थ में कंसेप्ट पढ़ा था, एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखना भैया जी, कंसेप्ट ये था कि जब भी आप दो पैरेलल लाइन के बीच में, देखना ध्यान से, जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे, मान लो इसी बेस पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक, और इसी बेस पे आप चाहे कितने भी ट्रायंगल बना लो और दो पैरेलल लाइन के बीच में आप बनाओ, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, बेस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये थियरम हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है, दोनों का बस बेस सेम होना चाहिए और लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो वो सभी ट्रायंगल का एरिया सेम आता है। क्यों आता है उसका रीजन भी जान लो ना, सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो सबका बेस तो सेम है, पता है ना, तो सबका बेस तो सेम आएगा। हाइट भैया जी, पैरेलल लाइन के बीच में कभी हाइट कम ज्यादा होती है, पैरेलल लाइन क्या होता है, जिसके बीच में हाइट कभी कम ज्यादा ना हो, मतलब एकदम कॉन्स्टेंट, जितना हाइट है उतना ही चलते रहे,
उसे कहते हैं पैरेलल लाइन, मतलब हाइट भी चेंज नहीं हुई, हाफ टू हाफ है, बेस बेस है, हाइट भी चेंज नहीं हो रही। जब कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो कहां से इसका एरिया का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे ट्रायंगल बनते हैं तो उनका एरिया सेम आता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे दो पैरेलल लाइन है, आपने पता है एल और बीसी पैरेलल है, और दोनों का डी, देखो डी के ऊपर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है और डी के ऊपर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो दोनों का बेस भी सेम है। तो यहां हम लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे हियर ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी बोथ लाइज ऑन सेम बेस, सेम बेस, कौन से बेस पे लाई कर रहे हैं, डी पे, सेम बेस डी एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, कौन से दो पैरेलल के बीच में है, एल और बी सी, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एल एंड बी सी। तो भैया जी ये सेम सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए क्या कह सकते हैं अपन, है ना। तो यहां से हम क्या कॉन्क्लूजन निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए डी नहीं लिखा मैंने, गलती से लिख दिया, ए डी नहीं, कौन कौन सा, बी डी, हाँ, तो एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी। अब इन दोनों का एरिया बराबर आ जाएगा और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो भी रिजल्ट आए, हमारे पास पहला रिजल्ट ये आया, हमारे पास दूसरा रिजल्ट ये आया, हम यही तो चाहते हैं कि पहला यानी ए डी बाई बी डी जो आया वो और दूसरा ए बाई सी आया वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनके जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है ना, अगर ये इक्वल हो जाए, देखो दोनों के इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है, अगर ये इक्वल हो जाए तो दोनों का राइट हैंड साइड में वो भी इक्वल आ जाएगा। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो ए डी, ए डी ऊपर सेम है, दिक्कत कहाँ है, नीचे बी डी है और यहाँ पे नीचे क्या है सी ई डी, यही तो दिक्कत। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, आपने को दिखा कि बी डी और सी डी इक्वल आ गए। तो यहां से हम लिख पाएंगे, है ना, यहां से ब्लू मार्कर से ही अपन लिखते हैं, यहां से हमें लिखना होगा फ्रॉम वन टू एंड थ्री, इक्वेशन पहला दूसरा और तीसरा तीनों को मध्य नजर रखते हुए ये, है ना, हम इस कॉन्क्लूजन पे ना, इस क्या कहते हैं उसको, अदालत, इस नतीजे पे ना, इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं, ठीक है, कि ये दोनों जो है ना सेम आ जाएंगे। तो यहां से हम लिख पाएंगे ए ई, ए ई मत लिखो डायरेक्टली, यहां स्टार्ट कर दो, ए बी अपॉन में बी डी, और ये आइटम इक्वल आ जाएगा ए ई अपॉन में सी ई के। तो ये अपना बीपीटी का जो है कंप्लीट प्रूफ है, यहां से लेके यहां तक, यहां पे आपका बीपीटी एकदम कंप्लीटली, अगर आप इस पैटर्न में लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स भी शायद नहीं कह सकते फिर तुम बोलोगे मैं कुछ नहीं, मैं डाउट में नहीं हूं, मैं आपको एक्चुअल में शायद इसलिए मैंने बोला, ठीक है, कि हर इंसान की, अब एग्जामिनर जो पेपर चेक करने बैठा उसकी मेंटालिटी थोड़ी बताओ, बट ऑलमोस्ट ये अपने आप में एक परफेक्ट तरीका है, ये अपने आप में एक परफेक्ट तरीका है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप बहुत रेयरली कोई चांस है कि हाँ कोई इंसान आपका मार्क्स काटेगा ना, एकदम आप स्कूल एग्जाम में ये ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका बीपीटी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, तो बीपीटी से सर इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को याद करने के लिए हमारे पास कोई ट्रिक बताएंगे आप, तो हम बता देते हैं, देखो कैसे याद रखोगे तुम। देखो बीपीटी को याद रखने के लिए आपको क्या ट्रिक रखना है, ध्यान से रखना, और फिर इसमें काम की चीज क्या समझनी है, इसमें काम की चीज तुम्हें ये समझनी है कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, कोई लाइन दूसरे के पैरेलल आ जाए, कोई लाइन जो है आप लाइन बनाते हो और ये दूसरे साइड के पैरेलल आ जाए, तो फिक्स है कि उनके ये ना जो डिविजन्स बनेंगे ये ए डी बाई बी डी और ए बाई सी हमेशा इक्वल आएंगे। ये बात समझ में आ रही है, अगर लाइन पैरेलल है तो ए डी बाई बी डी ए बाई सी के इक्वल आएगा, या फिर इसका उल्टा, अगर ए डी बाई बी डी दिया है और ए बाई सी दिया, तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइन पैरेलल है, इसका कन्वर्स थ्योरम 6.2 ट्राई करना, हो जाए तो समझ लेना, ठीक है। अब इसे देखो सवाल कैसे कोई जाता है, इसमें लच्छे लच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको करा दूं 6.2 का, बस ऐसे ओरली आपको बता दूंगा, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका सब कुछ ना, ये आपको दिया हुआ है कि ये 1.5 है और ये तुम्हें दिया हुआ है 3, ठीक, और ये तुम्हें दिया हुआ है 1 और तुमसे बोला कि तुम ये वाला निकाल दो, तो बड़ा ही वाहियात सवाल है, एक सेकंड में आप आंसर निकाल लो, दिख रहा है 1.5 का एग्जैक्ट डबल है ना ये 3,
1.5 का डबल क्या है 3, तो 1 का डबल आ जाएगा 2। समझ आ रही नहीं आ रही? ये कंडीशन है कि ये लाइन पैरेलल है इसके, ये कंडीशन दी हुई है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो क्या करेंगे, अगर लाइन पैरेलल मतलब दिस बाय दिस, यानी 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, मान लो ये x है तो 1 अपॉन में x, सॉल्व कर लेना, दिख रहा है 1.5 से ये दिया नीचे 2 आ जाएगा, है ना। अब दोनों को उल्टा करो तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से। बहुत ईजी ना, बहुत ईजी इस टाइप के सवाल इससे जो है बनते हैं, ठीक है। हालांकि इसके भी चांसेस बहुत कम है, ये अभी आपसे ना पूछा जाए। अच्छा, अब इसके अलावा सर इम्पॉर्टेंट सवाल क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपको बता रहा हूँ, वो करके जाना एग्जाम के अंदर, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको इस बार पूछा जाए, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट एनसीईआरटी के पूरे लाइन टू लाइन याद तो नहीं, बट ये मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है आई थिंक, है ना, एग्जाम्पल नंबर 7, एक बार चेक कर लेना, शायद 7 अगर ना भी हो तो भी, है ना, भूल चुके, चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या वो समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि एक लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट है, मतलब यहां पे लैंप वगैरह, लैंप है ना, बत्ती जल रही है, और इसको ऐसे कर देते हैं अपन, यहां पे एक लड़की है, लड़की की हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर है, और लैंप पोस्ट की जो हाइट है, लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर दी है। अब 3.6 मीटर यार पैर में लग गया था ना, 3.6 मीटर कहने का मतलब कि आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 3.6 मीटर है तो सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 360, है ना, यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ 360 सेंटीमीटर, ये असल यह हुआ है, क्लियर हो गई बात। अब उसमें अगले काम की चीज क्या दिया हुआ है कि लड़की जो है यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, लड़की यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, क्लियर। तो आपको बोला है कि लड़की की स्पीड, स्पीड ऑफ लड़की, ठीक है, स्पीड ऑफ लड़की, तो लड़की की स्पीड क्या दे रखी है, लड़की की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और आपको बोला गया है कि आप बताओ 4 सेकेंड बाद, 1.2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर, तो आपसे बोला है 4 सेकेंड बाद, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा 4.8 मीटर, ये बात ध्यान रखना, समझ आ रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, यानी 1 सेकंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में 4.8 मीटर, और लड़की जो है लैंप के यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको बताना है कि उसकी जो शैडो होगी ना, अब लैंप यहां तो परछाई ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी, तो ये इसकी शैडो की लेंथ क्या होगी। तो पहले तो आप ये समझिए कि 4 सेकंड बाद लड़की अगर यहां से स्टार्ट करना शुरू करे तो 4 सेकंड में लड़की बहुत आगे आ जाएगी, है ना, कितना दिख रहा है, 4 सेकंड में 4.8 मीटर आगे आ जाएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, जहां तक लड़की आ चुकी है 4.8 मीटर है, 4.8 मीटर यानी 480 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप, क्लियर हो गई मेरी बात। तो आपको बताना है कि इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी, मान लीजिए कि ये लेंथ जो है एक्स आ रही है और इसे आप ऐसे छोड़ दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यही सवाल का थीम है। 90 सेंटीमीटर की लड़की है, 3.6 मीटर लंबा जो है उसके पीछे पोल है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है, 3.6 को सेंटीमीटर में करना 360 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर बताया गया कि लड़की जो है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है लैंप के बेस से, तो आगे जा रही है 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद आपको शेडो की लंबाई बतानी है, मतलब 4 सेकंड तक अगर वो चलेगी तो 4 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 4.8 मीटर, यानी 480 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो ना इसको शैडो की लेंथ को मान लिया हमने x। अब देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी ना, सिमिलैरिटी अगर आप अप्लाई करो तो मैं आपको बता दूं ये चीजें सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 है, तो ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल में देखो ये एंगल 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल देखो आ रहा है, और छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों चीजें जो है सिमिलर है, ठीक है। तो देखो अभी क्या करना, अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये कर सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल का, देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट, यानी 90 अपॉन में बड़े वाले की हाइट कितनी आ जाएगी 360 इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है x अपॉन में बड़े ट्रायंगल का बेस। तो भैया जी बड़े ट्रायंगल का बेस कितने लोगों को लग रहा है 480, नहीं 480 नहीं होगा भाई, बड़े वाले ट्रायंगल के बेस में ये पूरा आएगा ना, तो 480 प्लस एक्स आएगा, ध्यान रखना, तो बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाएगा 480 प्लस एक्स, बस बन गया इक्वेशन, सॉल्व कर लो, यहां से देखो आपको देगा 9 1 9 4 ना, ये 1/4 आ जा रहा है, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x, और इसको जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, है ना, तो 480 ना 480 प्लस एक्स, अब ये एक्स को टाइम के यहाँ लेके आ जाओ ना, उचका दो तो 480 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 3x,
थ्री वन जा थ्री सिक्सटीन है ना, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। सारी चीजों को हमने सेंटीमीटर में रखा है, मतलब हमारा फाइनल आंसर भी 160 सेंटीमीटर आएगा, या फिर ऐसे आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर है ना। तो उस लड़की की जो शैडो है उस शैडो की लंबाई आ जाएगी 1.6 मीटर। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चैप्टर नंबर 6 यानी ट्राइंगल्स के अंदर आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, अगर आप इन चीजों को कर लेते तो ऑलमोस्ट जो है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है सर, ये जस्ट एक गेस है। ठीक है, गेस टाइप मतलब इन शॉर्ट आपके ये बहुत काम आएगा ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है इसमें से ही बिलोंग करेंगे। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगेन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 6.1 ढंग से कर लेना, और 6.2 के अंदर ये स्टार्टिंग है ना, इस टाइप के जो सवाल दिए वो कर लेना, बीपीटी का थियरम कर लेना पूरा का पूरा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 7-8 जो भी एग्जाम्पल नंबर होगा, ये लैंप पोस्ट का ध्यान से देखना, ये ऐसे एग्जैक्ट सेम यही सवाल आएगा, ये सवाल कर लेना। इतना कर लोगे आपके लिए बहुत ज्यादा ये पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलो फिर आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। ठीक है ना, अपना ये आप नोट्स वगैरह बना लेना, चीजों को कंप्लीट कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन जो है टिल दैट हम अपना काम करेंगे और आप करते रहो अपना काम। ठीक है, और ढंग से पढ़ाई करना, अच्छा स्कोर करना, अगर अच्छा स्कोर आता है तो यार कमेंट करके जरूर बताना है ना, अगर वीडियो से हेल्प होती है तो। चलो फिर इस चीज को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में है ना। तब तक के लिए बाय।